दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और कल RBI की क्रेडिट पॉलिसी के बाद क्या हो सकता है मार्केट में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करें। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट की, और चार्ट पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिए हैं, कुछ चीज़ें चेंज करी हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो हमने करीब ये हाई बनाए थे 24 सितंबर को, हमने हाई बनाया था 17,950.40 का, हमने ये हाई बनाया था, आप ये देख सकते हो। ठीक है, इस हाई पे हमने क्या किया था, ये हमारा हाई था 950 के आसपास का। अब आप देख रहे हो ये एक ट्रेंड लाइन है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका यहाँ पे आपको ये क्लियरली, ये आप देख सकते हो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। अब हम इसके पास, हमने एक बार यहाँ पे हाई बनाया, फिर हमने इसको दोबारा टेस्ट करके हमने एक फॉल दिखाया, ऑलमोस्ट जो लो बनाया था वो करीब करीब हमारा जो लो बना यहाँ पे वो बना हमारा 17,450 तक का। ठीक है, उसके बाद हमने फिर रिकवरी दिखाई है और फिर कल हमने दोबारा यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरे हैं। तो कल क्या हो सकता है, देखो अगर आप गैप अप खोल रहे हो, सीधा सीधा इस लेवल के आसपास गैप अप खोल रहे हो और आपको सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है, यानी प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है दोबारा से एक बड़ा फॉल देखने को मिले। लेकिन अगर आप फ्लैट खुलते हो, यानी आप इस चैनल के यानी आज के लो के ऊपर ही खुल रहे हो, फ्लैट खुल रहे हो, फिर आप इस चैनल को ब्रेकआउट दे रहे हो, यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहे हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप गैप अप खुल रहे हो, बड़ा गैप अप खुल रहा है सीधा सीधा, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है कि आप शॉर्ट करके काम करो। अगर आप फ्लैट खुल रहे हो और फिर आप या तो इस चैनल के यानी आज के लो को ब्रेक करके नीचे जा रहे हो या फिर ऊपर जा रहे हो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे एक ट्रेड डाल सकते हो। अगर आप ऊपर ब्रेक कर रहे हो तो आप लॉन्ग की कॉल डाल सकते, लॉन्ग की ट्रेड डाल सकते हो, 17,950 का टारगेट होगा। नीचे अगर आप 17,770 के नीचे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, शॉर्ट करो, 17,600 का टारगेट होगा। ये कल निफ्टी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम ऑप्शन चेन में समझें, देखो 17,800 की कॉल और पुट पे बराबर ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया अभी, और नीचे भी अगर देखा जाए तो कॉल साइड पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फ्रेश सीरीज है, कल से ओपन इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया आज के टाइम में, क्योंकि जाहिर सी बात है कल एक फॉल देखा और फिर आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट पूरा साइडवेज चला गया, ये आप पूरा एक साइडवेज है। तो इसका हाई और लो जिस साइड ब्रेक हो आप उस साइड ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए यही अपॉर्चुनिटी है, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब ये ऊपर 38,120 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी 38,370 का पहला आपका टारगेट होगा यहाँ पे, एक 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट फास्ट मिल सकता है आपको। और अगर ये नीचे निकलता है तो ये नीचे आपको दोबारा से 37,300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नीचे इसके पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और एक कह सकते हैं कि एक मूवमेंट के बाद फिर ये एक रेडी हो रहा है एक अनदर ब्रेकआउट के लिए। अगर आप डे चार्ट पे भी देखोगे यहाँ पे, ये आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन सा पूरा दिख रहा है आपको, और इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है, क्योंकि फिर 40,000 के टारगेट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए यहाँ पे कि बैंक निफ्टी अगर ये 38,120 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 300 पॉइंट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है बैंक निफ्टी को। निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि नज़र रखिए कौन से लेवल है, 17,870 के ऊपर अगर ये टिकता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग करके काम करिए। पहला टारगेट 17,950 होगा, दूसरा टारगेट 18,000 होगा यहाँ पे निफ्टी के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। देखो डाउ फ्यूचर भी 300 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैसडेक करीब 168 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैट करीब करीब 1-1% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखो एक व्यू बताता हूँ,
देखो, एक जो वॉलेटिलिटी थी आपने यहाँ पे एक डाउ जोन्स में वॉलेटिलिटी देखी, ये कंटिन्यू गिरा, फिर बाउंस हुआ, फिर गिरा और फिर ये बाउंस है, तो कहीं ना कहीं ये सेटल डाउन होने की कोशिश हो रही है। 35,000 के ऊपर ये कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाएगा और नीचे इसको कंटिन्यू सपोर्ट मिल गए हैं। आप देख रहे हो इसने नीचे एग्जैक्टली 33,820 के आसपास कंटिन्यू सपोर्ट ले लिया है। इसको ब्रेक करना होता नीचे, अगर इसको जाना होता तो डेफिनेटली ये अब तक चला गया होता, क्योंकि कंटिन्यूसली इतनी गिरावट के बाद इतनी देर होल्ड नहीं करता है, चला जाता है। कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिल गया है तो ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना स्टार्ट कर गया है। तो अब आपको यहाँ पे डाउ यूएस मार्केट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग करिए। हो सकता है 18,100 18,200 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि एक एक मोमेंट के बाद हेल्दी करेक्शन यहाँ पे निफ्टी में मिल गया है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है कल या मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, जब भी देता है, तब आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। तो इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोचे लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय।